अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेज़बान फरीहा सैयद और अपने चैनल पंजाबी फूड फैंटेसी में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बर्गर। और हम इसे किस तरह से बनाएंगे, आइए देखते हैं। एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, यानी 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया, और उसमें 1 टीस्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और उसे हल्का सा फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ज़ीरा, और ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ज़ीरा लेकर मैं इसे भी हल्का सा फ्राई कर लूंगी और इसमें शामिल कर दूंगी 1 अदद प्याज। प्याज को जो है वो हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें कुछ और वेजिटेबल्स भी शामिल करूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसके अंदर शामिल करूंगी चिकन, और चिकन को भी फ्राई कर लूंगी। चिकन भी बड़ी जल्दी जल्दी से फ्राई हो जाता है, बिल्कुल छोटी छोटी सी मैंने इसकी बोटियाँ कर ली थी, तो इसलिए ये भी बड़ा जल्दी सा फ्राई हो जाएगा। 1/2 टीस्पून के करीब मैं डालूंगी इसके अंदर नमक, और 1/2 टीस्पून ही सुरख मिर्च डाल दूंगी। इन दोनों चीज़ों को डालकर मैं इसे फ्राई करूंगी। बड़ी जल्दी जल्दी बन जाता है, बड़ा ही मज़ेदार बनता है। और आप बस देखते जाएं हम क्या क्या शामिल कर रहे हैं। मैंने डाला है गर्म मसाला, और इसके साथ मैंने डाला है सूखा धनिया पाउडर, साथ में डालूंगी काली मिर्च और हल्दी। ये चीज़ें डालकर मैं इसे फिर से फ्राई कर लूँगी। हल्का सा जो है बाद में हम पानी शामिल करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें गल जाएं, फिर इसके अंदर हम लोग मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। ये तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा पक रहा है, तैयार हो रहा है। बस इसे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च। लीजिए, तो 5 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालने के बाद हम इसे बहुत ढेर सारा नहीं पकाएंगे, क्योंकि शिमला मिर्च का जो असल टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ 2 दरमियाने साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ले ली थी, जिससे मैंने शामिल किया है। यहाँ पर चिकन मैंने लिया था 1 प्याली के करीब, और उसे भी मैंने छोटा छोटा सा काट लिया हुआ था, बोनलेस चिकन था। तो ये देखें, ये यहाँ पर कितना ज़बरदस्त, कितनी अच्छी शक्ल इसकी लग रही है इस स्टेज पर भी। अभी ये तैयार हो रहा है और हम इसमें अभी शामिल कर देते हैं केचप। आप चिली गार्लिक पसंद करते हैं वो भी डाल सकते हैं, जैसे आप चाहें, लेकिन मैंने केचप शामिल की है जी। तो केचप के साथ मैंने चिली गार्लिक भी डाल दी ताकि ये और ज़्यादा स्पाइसी और मज़ेदार बने। अगर आप सिर्फ केचप डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। ऑलिव्स शामिल करेंगे ताकि जायका और भी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि कोई भी पिज़्ज़ा बर्गर जब इसका नाम है तो ऑलिव्स के बगैर तो इसका कोई जायका ही नहीं होगा। तो हम इसमें ऑलिव्स भी डाल देंगे। ऑलिव्स डाल के थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अभी से इसकी तो रोटी के साथ भी इतना इसका मज़ा आता है ना, खाने को दिल चाहता है कि रोटी के साथ ही बंदा खा जाए। बस ये तैयार हो रहा है, जैसे ये तैयार होता है फिर हम आपको बताते हैं कि अब हम आगे क्या करेंगे जी। तो बस ये हो चुका है तैयार, अब हम इसमें शामिल करेंगे लास्ट स्टेज पर ओरिगैनो। ओरिगैनो मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, इसे डालकर तो हम इसे बस मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने बर्गर ले लिया, और बर्गर की एक साइड पर मैं लगाऊंगी मायोनीज और दूसरी पर लगाऊंगी चिली गार्लिक। आप चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं, अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं जी। तो यहाँ पर हमने लगा ली है इसके ऊपर मायोनीज, और ऊपर मैंने फैला दिया है वो मटेरियल जो मैंने तैयार किया था चिकन और कुछ सब्जियों से, उसे हम डाल देंगे। और देखिए आप कितना अच्छा बन रहा है ये। मटेरियल डालने के बाद मैं इस पर डाल दूंगी चीज़ और थोड़ी सी जो है वो ऑलिव्स, आप जो चाहें डालें। एक्चुअली मैं चाह रही थी थोड़ा अंदर की तरफ भी टेस्ट मज़े का आए और बाहर भी टेस्ट मज़े का आए। तो ये देखिए, चीज़ का पूरा पैकेट भी मैंने जो एक पूरा स्लाइस होता है वो भी रखा है, और इसके अलावा मैंने क्रश करके मोज़रेला चीज़ भी रखी है। चेडर दोनों तरह की इस्तेमाल की हैं इसमें। ऊपर मैं लगाऊंगी इसके चिली गार्लिक, और साथ ही मैं डाल दूंगी चीज़। चीज़ डालने के बाद मैं इस पर डालूंगी ऑलिव्स। जी तो बस ये तैयार है, और थोड़े से चिली फ्लेक्स ऊपर डाल दीजिएगा ताकि जायका ज़रा और भी मज़ेदार लगे। यहाँ मैंने पैन को गर्म किया है। अच्छा, आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने पैन को गर्म करके उसके नीचे बटर पेपर रख के फिर ऊपर जो है बर्गर रखने हैं, फिर ये नीचे से नरम नरम से रहेंगे। तो वैसे ये हो चुके हैं तैयार हैं, इन्हें बनाएं, खाएं और हमें बताएं आपको ये कैसे लगे। बटर पेपर रखना मत भूलिएगा,
अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।